तो आज की नाइट पता नहीं कैसे कटेगा भाई, ये सबसे खतरनाक वाला कैंपिंग हो गया भाई हमारा। पे स्नोफॉल हो गया बहुत तगड़ा वाला, और यहाँ पर हमारा खाना खुना बन रहा था तो मुझे नहीं लग रहा भाई खाना खुना बन। अपना मैगी है, ये दूध है, ये बिस्किट है, खुना हमारा बनेगा नहीं बनेगा इतना ही पता नहीं है अभी तक आज, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं जलती है। तेल गरम करने के लिए रखा तो भाई फिर से ऑले पड़ने स्टार्ट हो गए। ऐसी कैंपिंग में फर्स्ट बारी कर रहा हूँ भाई। इसके बाद चूल्हा लगा के आग उग जलाते हैं, आग बार बार परेशान कर रही है भाई, धुआं बहुत तेज हो रहा है, हवा भी हो रही है, बारिश भी आ रही है, ओले भी गिर रहा है भाई। अगर तेज बारिश हो जाएगी तो भाई खाना खुना कुछ नहीं बन पाएगा। ये चेक करो भाई सारे टेंट के अंदर भी चले गए भाई। पनीर टिक्का अपना रेडी हो गया, यहाँ पे चेक करो ब्लैक आइस जम चुकी है, ऐसे काम चल जाएगा। पानी पूरा जम के बर्फ हो गया भाई। इस तालाब में मैंने ये स्टडी करा था कि यहाँ पे एक भी पत्ता नहीं मिलता तालाब में। ये चेक करो बुरास का पेड़, ऊपर से जूम करे तो ये नंदा घुघुती पर्वत, और ये जो सामने दिख रहा है थोड़ा सा आगे जाने के बाद तो ये त्रिशूली पर्वत, और इधर फिर से निकल पड़ा हूँ आज फिर से एक नाइट कैंपिंग ब्लॉग के लिए। ये जंगल में आज हम आ गए, यहाँ पर आज अपनी नाइट कैंपिंग होने वाली है। तो ये एक हिसाब से बुग्याल भी है, तो यहाँ का नाम है सुप्ताल, तो इधर बकरियाँ वगैरह भी दिख रही है। अभी हम पैदल ट्रैक कर रहे हैं, अभी भी हम लोकेशन पे पहुँचे नहीं, तो यहाँ पर से 2-3 किलोमीटर और है रखा जहाँ पे कि हम टेंट वगैरह पिच करेंगे, तो वहाँ का नाम है सुप्ताल। तो आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं यहाँ के बारे में, आपको मिल जाएगा। हमने 10 किलोमीटर का पैदल ट्रैक तो कर लिया, लेकिन अभी 2 किलोमीटर का पैदल ट्रैक और है रखा। यहाँ पर आज हम ग्रुप कैंपिंग करने वाले, तो पूरी रात हम सुप्ताल जलताल में बिताने वाले। यहाँ पे काफी बड़े बड़े पेड़ भी दिख रहे हैं जो कि बांस के, और बहुत सारे पेड़ टूट भी रखे हैं। तो ये बब्बू और ये रब्बू, तो ये दो भाई मेरे साथ आज पूरी रात मेरे साथ रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, तो ये जगह मेरे लिए नहीं है। जैसे ही हम सुप्ताल में एंटर करने वाले थे तो बारिश भी लग गई यहाँ पे हल्की हल्की, और ट्रैक को करते हैं पहले कम्प्लीट। तो गाइज हमने अपने 2 किलोमीटर का जो ट्रैक बच रखा था वो भी कंप्लीट कर दिया, और अभी हम पहुंच गए सुप्ताल में। तो ये व्यू चेक करो, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का व्यू है, काफी बड़े बड़े ग्राउंड है यहाँ पे। यहाँ से चलते हैं अब जलताल के लिए। सुप्ताल में जो भी चीज है वो मैं सुबह एक्सप्लोर करूंगा वापस आते टाइम, अभी हमें पहले जलताल पहुंचना होगा। तो यहाँ पे एक मंदिर भी है, तो सुबह सब कुछ एक्सप्लोर करूंगा इधर का। गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड जलताल, और यहाँ पर पीछे का पूरा तालाब दिख रहा है, ये इसका नाम है जलताल। अभी के लिए हमें लोकेशन वगैरह मिला नहीं है अभी टेंट पिच करने के लिए, तो थोड़ा सा आगे और चलते हैं और टेंट पिच करने के लिए लोकेशन ढूंढते हैं। तो गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड लोकेशन, तो यहाँ पर आज हम टेंट पिच करने वाले हैं। तो बहुत सारे लोकेशन को सर्च करने के बाद ये लोकेशन हमने फाइनल करा, तो करते हैं इसका जल्दी से बैग में जो भी सामान है उसको अनबॉक्सिंग। तो मॉर्निंग में इधर का सारा व्यू एक्सप्लोर करूंगा, क्योंकि अभी मैं सब कुछ एक्सप्लोर कर दूंगा तो ब्लॉग में मजा नहीं आएगा फिर। तो मॉर्निंग में मैं इधर सब कुछ एक्सप्लोर करूंगा, एंड यहाँ से त्रिशूली पर्वत और कुंवारी बुग्याल का भी पूरा व्यू दिखता है। तो अभी के लिए सामान को अनबॉक्सिंग करते हैं जल्दी से। तो फाइनली गाइस अनबॉक्सिंग अपना हो गया, तो यहाँ पर हम टेंट पिच करते हैं, ये रहा अपना टेंट, तो करते हैं इसको जल्दी से पिच। ये रहा अपना स्टिक, और इनको जल्दी से सेट कर देता हूँ बढ़िया करके। टेंट वगैरह मैंने अच्छे से पिच कर दिया, और यहाँ पे जो व्यू है बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का है। इसके बाद सामान वगैरह जो भी बाहर पे सारे अंदर शिफ्ट कर देते हैं, मैंने टेंट के अंदर सारे सामान शिफ्ट कर दिए। तो ये चेक करो भाई अपना प्यारा सा रूम, तो ये वैसा 2% टेंट है, तो इसके अंदर आज हम 3 बंदे रहने वाले हैं। तो ये चेक करो भाई, ये अपना मैगी है, ये दूध है, ये बिस्किट है, और ये चावल है, और ये अपना प्याज टमाटर, और ये रहा मैदा, और इसमें आलू है, और ये रहा भाई अपना पनीर और दही, और ये तेल, और ये भी चावल है, और ये इसमें पूरा मसाला मसाला है। इतने सारे सामान मैं यहाँ पे आज नाइट कैंपिंग के लिए लेकर आया हूँ, और लालटेन वगैरह मैंने यहाँ पे चार्ज पे लगा दिया, तो
रात के लिए काम आ जाएगा। तो अभी के लिए सबसे पहले लकड़ी वगैरह के लिए जाता हूँ, और लकड़ी वगैरह यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है भाई, ये चेक करो, कुछ भी लकड़ी वगैरह नहीं है। इतनी लकड़ी हमने इकट्ठी कर दी, और अब इसको टेंट के पास ले जाते हैं। मे भी इतने से काम तो चल जाएगा वैसा हमारा, तो नहीं तो दोबारा आना पड़ेगा लकड़ियों के लिए। इतनी सारी लकड़ियाँ यहाँ पर इकट्ठी हो गई, तो मैं भी इतने से अपना काम चल जाएगा, और यहाँ पर अपना टेंट फिच भी हो रहा। चूल्हा लगाने की तैयारी कर रहा हूँ, तो जल्दी से इसके बाद चूल्हा लगा के आग उग जलाते हैं। चूल्हा अपना बढ़िया सा लग गया, और अब इसमें लकड़ी वगैरह डाल के जलाते हैं भाई बढ़िया करके आग। तो गाइस लकड़ियाँ मैंने ऑलमोस्ट इसमें सेट कर दिया, तो अब आग जलाने की तैयारी है। तो यहाँ पे भाई बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो आग जल नहीं रही। आधे घंटे के बाद आग अपनी जल चुकी है, तो धुआं बहुत तेज़ हो रहा, तो उम्मीद करता हूँ कि आग अब बुझे ना। गाइस अब बनाते हैं बढ़िया करके चाय। तो चाय मैंने रख दिया, और इसमें डालते हैं भाई चाय पत्ती। तो चाय पत्ती अपनी पड़ गई, तो थोड़ा देर पानी को उबलने देते हैं, फिर डालते हैं भाई इसमें चीनी। फाइनली चाय अपनी बन गई है, आग बार बार परेशान कर रही है भाई। चाय का मज़ा लेते हैं, और ऐसा लोकेशन भाई चाय पीने का मज़ा बिल्कुल अलग लेवल का है। तो अभी पीते हैं भाई बढ़िया करके चाय। चाय चूँ अपना फिनिश हो गया, और अब रखते हैं भाई जल्दी से चावल, क्योंकि ऊपर से बारिश आना स्टार्ट हो गया। तो चावल मैंने दो दो कर रेडी कर दिया, तो अब जल्दी से चावल को रख देता हूँ भाई। रात को ज़्यादा तेज़ बारिश हो जाएगी, तो भाई खाना खुना कुछ नहीं बन पाएगा। तो फाइनली गाइस यहाँ पे स्नोफॉल हो गया बहुत तगड़ा वाला, और यहाँ पर हमारा खाना खुना बन रहा था, तो मुझे नहीं लग रहा भाई खाना खुना बनेगा, और आग बिल्कुल भी नहीं जल रही भाई। आज हम बहुत गंदा फंस गए, ये आप चेक करो, बहुत तगड़ी बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा तगड़ी। और टेंट हमने यहाँ पे ठीक करा है, आप देखो भाई टेंट के अगल बगल पूरा स्नोफॉल हो गया बहुत गंदा वाला भाई। तो आज भाई हम बहुत गंदा फंस गए यहाँ। पहले हम नीचे सुखताल में टेंट लगाने का सोच रहे थे, लेकिन हमने वहाँ पर टेंट पिच नहीं करा, हमने सोचा जलताल में चलते हैं। तो भाई यहाँ पे इतने भयंकर स्नोफॉल भी है, ओलावृष्टि है, टेंट के आसपास पूरा बर्फ बर्फ हो गया भाई, ये आप चेक करो। तो आज की नाइट पता नहीं कैसे कटेगा भाई, ये सबसे खतरनाक वाला कैंपिंग हो गया भाई हमारा। तो खाना खुना हमारा बनेगा नहीं बनेगा इतना भी पता नहीं है अभी तक, आग क्योंकि बिल्कुल भी नहीं जल रही है, बारिश की वजह से आग पूरा बुझ जा रहा है। ये देख लो पूरा बर्फ बर्फ हो गया, ये आप चेक करो पूरा बर्फ बर्फ हो गया भाई टेंट के ऊपर। ये चेक करो भाई सारे टेंट के अंदर भी चले गए भाई, ये कैंपिंग बहुत खतरनाक हो गया भाई। वो देखते हैं आज खाना बन पाता नहीं बन पाता। तो गाइस अभी के लिए हमने टेंट के चारों तरफ से नाला तो बना दिया, जिससे कि टेंट के अंदर पानी पुने न जाए, टेंट के चारों तरफ भाई पूरा बर्फ बर्फ हो रहा। तो उम्मीद करता हूँ इसके बाद बारिश थोड़ा कम हो जाए, और हमारा खाना खुना बन जाए, और हम टेंट के अंदर सेफली चले जाए। तो अभी मैं यहाँ पे प्याज टमाटर वगैरह काट रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद चावल तो अपना बनने ही वाला है। बड़ी मुश्किल से आग जली है भाई, अभी तो बारिश की वजह से आग भी बुझ गई थी, और अभी मैं यहाँ पे प्याज वगैरह काट रहा हूँ। यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा, ऊपर से स्नोफॉल भी हो गया, तो उससे और भी ज़्यादा ठंडा लग रहा। टेंट के अंदर भाई पानी पुनी घुस गया था अभी। तो प्याज टमाटर अपना कट गया, और इसके बाद पनीर की कटिंग करता हूँ मैं। तो फाइनली गाइस पनीर मैंने काट दिया, ये चेक करो इतना मैंने पनीर टिक्का बनाने के लिए रखा है, अगर बारिश बंद होगी तो पनीर टिक्का बनाएंगे। चलते हैं बाहर पनीर बनाने, और बाहर का सीन दिखाता हूँ भाई कितनी खतरनाक बारिश हो रही है बाहर पे। तो लकड़ी हमने आग के चारों तरफ से रखा है, ये जुगाड़ करा है, जिससे कि लकड़ी वगैरह गीला ना हो। तो चावल अपना बन गया, और यहाँ पर हमने फ्राई पैन रखा है, तो फ्राई पैन में तेल तूल डालता हूँ भाई। तो तेल को गर्म करते हैं, और आग भी बुझ चुकी है, और आग को भी जलाते हैं। यहाँ पे तेल गर्म करने के लिए रखा, तो भाई फिर से ओले पड़ने स्टार्ट हो गए। ऐसी कैंपिंग में फर्स्ट बारी कर रहा हूँ भाई, हवा भी हो रही है, बारिश भी आ रही है, ओले भी गिर रहा है भाई। तो भाई टमाटर अपना अच्छे से पिघल गया है, और अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने वाला हूँ। ग्रेवी करते हैं मस्त रेडी, ये भी अपना रेडी हो गया है, और अब इसमें पनीर वगैरह डाल देता हूँ। तो जल्दी से पनीर बनाते हैं, फिर करते हैं मस्त डिनर। तो अभी के लिए बारिश फिर से रुक गया, तो बारिश हमारे साथ बहुत गंदा खेल रहा भाई, कभी लग रही है फिर बंद हो जा रही, फिर स्टार्ट हो जा रही, ये पता नहीं क्या सीन हो रहा है इधर। तो ये चेक करो पनीर अपना पूरा बन गया, तो इसके बाद चलते हैं टेंट के अंदर और करते हैं भाई बढ़िया सा डिनर। और इसके बाद बारिश अगर लगेगी नहीं, ऐसी सीन रहेगी, तो फिर बनाते हैं बढ़िया सा पनीर टिक्का भी रेडी करते हैं। तो अभी के लिए पनीर तो अपना बन गया, तो चलते हैं गाइस टेंट के अंदर। फिर से खाना अपना रेडी हो गया इतनी भयंकर बारिश में, तो ग्रुप कैंपिंग का यही फ़ायदा रहता है भाई, सारे काम टाइम से हो जाते हैं। तो अभी के लिए जल्दी से चावल वगैरह सर्व करता हूँ।
जल्दी से खाना खुना फिनिश करते हैं और फिर मिलते हैं भाई आप लोगों को। बाहर बारिश बंद हो चुकी है तो अब पनीर टिक्का रेडी करते हैं, मैरिनेट कर देते हैं बढ़िया करके पनीर को और दही वगैरह मसाला मैदा जो भी डाला मैंने इसमें। तो गाइस फाइनली मैंने पनीर को अच्छे से मसाला में मैरिनेट कर दिया तो ये पनीर टिक्का पूरा रेडी हो गया। अब इसको इस तार में अच्छे से फील करता हूँ क्योंकि पनीर फट भी जाता है, ध्यान से करना पड़ेगा मुझे। तो फाइनली गाइस पनीर टिक्का अपना रेडी हो गया तो इसको आग पे सेकते हैं। अब तो चलते हैं बाहर आग के पास और सेकते हैं मैं इसको बढ़िया करके। पनीर टिक्का को हम आग पे सेक रहे हैं तो लकड़ी वगैरह का सीन नहीं बन पा रहा क्योंकि लकड़ी उस टाइप की मिल नहीं रही हमें, तो रब्बू भाई ने वहाँ से पकड़ा है और मैंने यहाँ से पकड़ा है तो ऐसे ही काम चल जाएगा। रब्बू भाई वैसे यहाँ आने के लिए लोग डरते होंगे ना रात को? हाँ भाई, हमने बहुत खतरनाक रिस्क लिया है भाई। तुम्हारे इधर के लोग आते हैं रात को इधर? यहाँ तो नहीं आते, यहाँ डराता है। वह डराते भी इधर? हाँ। कोई नहीं, हम तीन बंदे हैं, तीन बंदों में तो कोई डर डूर नहीं लगा, बाकी अपनी बरसी तो है ही। जल्दी से भाई पनीर टिक्का को आग पे सेकते हैं तो देखते हैं भाई कितनी देर में ये पनीर टिक्का रेडी होता है। तो बारिश ने तो पूरा साथ दे दिया, अभी के लिए बारिश पूरा बंद हो गया तो जल्दी से इसको रेडी करके फिर चलते हैं भाई टेंट के अंदर। ओ भाई हाथ जल गया। तो भाई चलते हैं अब टेंट के अंदर, पनीर टिक्का तो रेडी हो गया। भाई पनीर टिक्का लेकर हम अभी अंदर आ गए टेंट के अंदर और बर्तन सारे जूठ हो गए तो हमने थैले में रखा है, तो जल्दी से पनीर टिक्का को खाते हैं और फिर टेस्ट करके बताते हुए कैसा हो रहा। ओ भाई इसमें तो बहुत मज़ा आ रहा है और मैंने ये पहली बार खाया। पहली बार खाया? और कैंपिंग कितनी बार करा है? पहला ही कैंपिंग है मेरा। कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को तो, यहाँ पे मज़ा आ रहा ना? बहुत मज़ा आ रहा भाई, बहुत टेस्ट बढ़िया हो रहा भाई। आज पिछली बार थोड़ा जल गया था और इस बार बढ़िया हो रहा भाई टेस्ट। डिनर अपना हो गया और पनीर टिक्का भी हमने खा लिया और अभी हम टेंट के अंदर आ गए और अब सोने की तैयारी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रहा तो हमने जैकेट वगैरह किसी ने भी नहीं उतार रखा और सारे पूरे पैक हो गए, बहुत ज़्यादा ठंड हो रहा। ऊपर से स्नोफॉल भी हुआ था थोड़ी देर पहले तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गया मौसम अभी। तो अभी के लिए सो जाते हैं और इसके बाद सीधे मिलते हैं आपको सीधे मॉर्निंग में। तो गाइस मिलते हैं सीधे मॉर्निंग में और बाय बाय एंड गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइज। तो गाइज एक और नए दिन की शुरुआत हो गई है तो कुछ इस तरह से हुई है शुरुआत भाई। पूरा यहाँ पे चेक करो, ब्लैक आइस जम चुकी है और ठंडा इतना भयंकर हो रखा ना भाई, यहाँ पे टेम्परेचर पूरा माइनस में जा रखा और पानी वगैरह पूरा जम गया अपना भाई। ठंड से हालत ख़राब हो गई यहाँ पे। टेंट के अंदर जाने के बाद ना भाई बाहर तो हम आए नहीं। तो गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली टेंट के बाहर में आ गया अभी और इधर पूरा भाई ब्लैक आइस हो रखा और टेंट के ऊपर ब्लैक आइस हो रखा है और इस डब्बे में हमारा पानी था, पानी पूरा जम के बर्फ हो गया है। तो टेम्परेचर यहाँ पे भाई माइनस में बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ रात को, हमें पता नहीं था यहाँ पे इतना ठंडा होगा। और ये बबलू भाई और रब्बू भाई दोनों भाई ने आग जला दी है और कल रात को 9-10 बजे एक भाई और आया हमारे साथ, उससे भी मिलाता हूँ आपको। तो गाइज अपना जो पावर बैंक था वो पिछले वाले कैंपिंग वाले ब्लॉग में खो गया था तो ये लौंडा है भाई रात के 10-11 बजे भाई यहाँ पावर बैंक लेकर आए, वो भी इतनी सुनसान जंगल में भाई, बहुत सुनसान जंगल है। और इधर का देखो भाई पूरा ब्लैक आइस हो रहा पूरे ग्राउंड में इधर। तो इसके बाद आपको सीधे ले कर चलता हूँ मैं जलताल में। तो गाइज अभी मैं पहुँच गया हूँ जलताल में, तो इस तालाब के बारे में बहुत सारी बातें स्टडी करी थी तो अभी मैं लाइव देख रहा हूँ भाई। इस तालाब में मैंने ये स्टडी करा था कि यहाँ पे एक भी पत्ता नहीं मिलता तालाब में, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं तालाब के चारों तरफ भाई बांज और बुरांस के पेड़ है। तो इतने सारे पेड़ होने के बावजूद तालाब में एक भी पत्ता नहीं दिख रहा भाई, एक भी पत्ता नहीं है। काफ़ी सारे पेड़ वगैरह टूट के भी गई है तो इधर बहुत ज़्यादा पेड़ टूट रखे लेकिन तालाब में एक भी पत्ता नहीं दिख रहा भाई। तो यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ भी है, तालाब की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, चौड़ाई के साथ साथ भाई गहराई भी बहुत ज़्यादा है इस तालाब की। इस जगह पे बांज और बुरांस के पेड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा और पानी बहुत ठंडा है भाई यहाँ का। तो इसके बाद यहाँ पे एक टेंपल है जलनाग देवता, तो जलनाग देवता के टेंपल में विजिट कराता हूँ। तो गाइस अभी मैं आपको विजिट कराने लाया हूँ जलनाग देवता के टेंपल पे। तो ये रहा जलनाग देवता का टेंपल जो कि झलताल के ठीक बगल पे है,
तो यहाँ पे साल में एक दिन पूजा होती है, वो होती है कृष्ण जन्माष्टमी को। मैं आपको यहाँ से नंदा घुघुती पर्वत और त्रिशूली पर्वत का व्यू भी दिखाता हूँ, जो कि ठीक नागदेवता टेम्पल के सामने से दिखता है। गाइस ये वाला नंदा घुघुती पर्वत रहा और यहाँ पे पूरा बर्फ से ढक रखा। यहाँ से थोड़ा आगे जाए तो ये रहा त्रिशूली पर्वत, व्यू थोड़ा क्लियर नहीं दिख पा रहा क्योंकि उधर साइड पूरा फॉग फॉग हो रखा है। तो त्रिशूली पर्वत ही पूरा बर्फ बर्फ से ढक रखा है। हम कुंवारी बुग्याल से त्रिशूली पर्वत और नंदा घुघुती पर्वत का व्यू देखे तो वहां से ठीक ऐसा लगता है कि जैसे त्रिशूली पर्वत और नंदा घुघुती पर्वत हमारे आंखों के सामने होगा। तो अभी के लिए मैं जलताल से अपने टेंट के पास जा रहा हूँ। अभी के लिए टेंट के पास में पहुँच गया और इधर हमने कल रात को यहाँ पे नाली निकाल दी थी क्योंकि यहाँ पे कल रात को बहुत ज़्यादा ओले गिरे और बारिश भी बहुत तेज़ आई। तो अभी भी ब्लैक टेंट के ऊपर ब्लैक आइस रह रखा है, तो ये आप चेक कर सकते हैं, पूरा ब्लैक आइस हो रहा है। इधर यहाँ पे चाय वगैरह और ब्रेकफास्ट वगैरह बनाते हैं, तो ये आप चेक कर सकते हैं, पूरा ब्लैक आइस हो रखा है। थोड़ा और टॉप की लोकेशन पर आ रखा, तो भाई लोग तो टेंट के बगल पर चाय चूय बना रहे, तो मैं इधर का व्यू वगैरह देखना आ रखा। तो इधर का व्यू बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का लग रहा है, पीछे नंदा घुघुती और त्रिशूली पर्वत का व्यू भी दिख रहा है, यहाँ पर से भी दिख रहा है और ये काफ़ी टॉप की लोकेशन भी, ये व्यू काफ़ी बढ़िया लग रहा है यहाँ पे और ऊपर से पक्षियों की आवाज़ आ रही है तो उससे और भी प्यारा व्यू लग रहा है। इसके लिए चाय अपना रेडी हो गया, तो बबलू भाई गिलासों में चाय चूय डाल रहा है। इसलिए चाय अपनी रेडी हो गया, तो ये व्यू चेक करो भाई इधर का व्यू, तो ऐसा व्यू पॉइंट पर बैठ के चाय पीने का मज़ा बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का है। तो लेते हैं भाई चाय का मज़ा, ब्रेकफास्ट अपना हो गया और अब सामानों को पैक करते हैं। तो टेंट के ऊपर से देखो पूरा बारिश की बूंदें हैं, अभी पानी हो रखा टेंट के ऊपर से और पूरा गीला हो रखा है। तो जल्दी से सामानों को शिफ्ट कर देते हैं बैग में और फिर टेंट उंट को भी फोल्ड करते हैं। इधर से धूप तो आ गई बढ़िया करके, तो पूरा इधर जो ब्लैक आइस था ऑलमोस्ट पूरा पिघल चुका है। कल रात को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और ऊपर से रात को ब्लैक आइस वगैरह जम गया था, तो ये अभी तक सूखा नहीं। तो गाइस ये रहा अपना टेंट, ऑलमोस्ट पैक हो गया और इसको डालते हैं भाई बैग में। अब कूड़ा वगैरह उठा के मैंने बैग में तो डाल दिया, तो साथ में लेंगे कहीं पे कूड़ादान मिलेगा कूड़ादान में डाल देंगे। तो गाइस सफाई सुफाई अपनी हो गई, यहाँ पे आग उग हमने पूरा बुझा दिया, बैग बुक को उठा के और इसके बाद सुपताल तक का ट्रैक करते हैं। जब हम कुछ इस तरह की लोकेशन में पहुँच गए, यहाँ पर से जंगल का बहुत प्यारा व्यू दिख रहा है, तो इधर बुरांस के पेड़ भी दिख रहे। तो कल रात को हम 2% टेंट के अंदर वही चार बंदे रहे। ये चेक करो बुरांस का पेड़, और इधर की साइड भी बुरांस का पेड़ है और इधर की साइड भी। तो फाइनली गाइस वी हैव रीच्ड सुपताल, काफी प्यारा व्यू है भाई, पूरा ग्राउंड है। तो इधर का व्यू दिखाता हूँ मैं तुम्हें, जो व्यू मैं झलताल से नहीं दिखा पाया वो व्यू यहाँ पर से दिख रहा है। तो ये चेक करो भाई, ये नंदा घुघुती पर्वत और थोड़ा सा आगे जाने के बाद यहाँ पर से दिखता है त्रिशूली पर्वत, और उसके थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो फिर कुंवारी बुग्याल दिखता है। मैंने थोड़ा सा गोप्रो से जूम करा है, तो ये नंदा घुघुती पर्वत और ये जो सामने दिख रहा है थोड़ा सा आगे जाने के बाद, तो ये त्रिशूली पर्वत और इधर से पूरा कुंवारी बुग्याल वाला सीन लग जाता है। तो इसको तीन भागों में बांटा गया है, तो कुंवारी बुग्याल अगर आप विजिट करते हो कुंवारी बुग्याल, तो कुंवारी बुग्याल से नंदा घुघुती पर्वत और त्रिशूली पर्वत आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ठीक मेरे आंखों के सामने होगा। यहाँ से निकलते हैं भाई घर के लिए। तो फाइनली गाइस पहुंच गए हम बड़ी मुश्किल से रोड में और बहुत ज़्यादा थकान भी लग गई। तो अभी के लिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको ये ब्लॉग पसंद आया। ब्लॉग पसंद है लाइक कमेंट शेयर करना, और चैनल पर नए तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। निकलते हैं यहाँ से घर के लिए और मिलते हैं इसका नेक्स्ट नाइट कैंपिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट गाइस, बाय बाय।